Yes. Today I am going to tell you about some small programs of Python which is required by someone, and going to clear some concept regarding to random number, prime number, list, functions and palindrome. So first is the import random number library and then print random dot randint 1, 10. ये एक से दस के बीच में रैंडम नंबर को जनरेट करेगा. यू हैव टू राइट जस्ट टू लाइन. देन नेक्स्ट इज चेक गिवन नंबर इज प्राइम. नंबर जो है आपका वो प्राइम नंबर है. एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर. आप कोई भी नंबर जब इनपुट करिएगा तो वो दो से लेकर उस नंबर तक की रेंज को चेक करेगा और वन बाय वन उस नंबर को दो से लेकर के एन तक डिवाइड करेगा. अगर उसका मोड उसका रिमाइंडर जो जीरो होता है तो वो प्राइम नहीं होगा. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा. तो अभी हम इसमें एंटर करेंगे वैल्यू को और चेक करेंगे. नेक्स्ट है प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 2 to 9. दो से नौ के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना है. तो हमने एक्स रेंज इक्वल्स टू रेंज 2, n दिया. फॉर x इज इक्वल टू x इन रेंज x रेंज दिया. इफ n मोड x इज इक्वल टू 0. सेम ऊपर की तरह है, बस इसमें हमने दो लूप ले रखेंगे, दो रेंज ले रखी है, एक डिवाइड करने वाली है एक नंबर के लिए. तो जब हम डिवाइड भी करेंगे और नंबर भी करेंगे तो नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा अगर वो प्राइम नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई स्ट्रिंग इनपुट करे और चेक करे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग के जैसी है कि नहीं है. अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी सेम है तो वो पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो वी में हमने इनपुट एंटर स्ट्रिंग किया, रिवर्स करने के लिए वी डबल कोलन माइनस वन लिखा तो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी. फिर v इक्वल्स टू रेयर लिखेंगे, उसको चेक करेंगे कि दोनों तरफ से पढ़ने से स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है. अगर सेम होगी तो पैलिंड्रोम होगी, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम होगी. अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन हेलो पास. पास कर देने से वो आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम और प्रिंट टाइप हेलो करेंगे तो क्लास फंक्शन वो प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट आया कॉन्कैटनेशन ऑफ लिस्ट. कॉन्कैटनेशन मीन्स होता है कि दो लिस्ट को, दो चीज़ों को जोड़ देना, दो स्ट्रिंग को. लेकिन यहाँ पर दो तरह की लिस्ट है, एक है न्यूमरिक लिस्ट, एक है स्ट्रिंग लिस्ट. तो जब हम स्ट्रिंग है तो जब हम लिस्ट में स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो वो एरर दे देगा, लेकिन जब हम नंबर को जोड़ेंगे तो वो जोड़ देगा. तो जब हमने ए प्लस ए में 1150 थी और सी में 10 200 है, तो जब हम a प्लस सी करेंगे तो जुड़कर 1153 10 और 200 हो जाएगा. लेकिन जब हम a प्लस बी करेंगे तो स्ट्रिंग को लिस्ट में नहीं जोड़ेगा और एरर दे देगा. तो इसको अब रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है. ये देखिए, पहला जो इसने एक नंबर जनरेट कर दिया. अब नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 3 दिया हमने, तो वो क्या कर रहा है. देखिए 3 दिया हमने, जब एंटर 3 नंबर तो 3 से 2 से 9 के बीच में 3 5 और 7 को बता दे रहा है कि ये प्राइम नंबर है. अब हमने दिया मैडम, क्योंकि हमको पैलिंड्रोम नंबर स्ट्रिंग चेक करनी है. तो जैसे ही हम मैडम देंगे वो बोल देगा पैलिंड्रोम है. लेकिन जब हम लिस्ट को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने करा था ना पैलिंड्रोम है, ये देखिए, ये जब लिस्ट को रिवर्स किया तो वो पैलिंड्रोम दे देगा, क्योंकि मैडम दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम आता है. लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे डिफाइन हेलो, तो वो क्या कर देगा, नीचे जाकर प्रिंट कर देगा क्लास फंक्शन. और फिर जब आपने दो लिस्ट ए प्लस सी को ऐड किया तो दे दिया 1153 10 और 200.
लेकिन जैसे ही हम लिस्ट में पाइथन को जोड़ेंगे वो एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि दे देगा टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटनेट लिस्ट टू लिस्ट, लिस्ट में लिस्ट कॉन्कैटनेट जुड़ सकती है, स्ट्रिंग नहीं जुड़ सकती, तो वो एरर दे देगा। तो इस तरह से पांच प्रोग्राम आज हमने बताए हैं, और आगे आप जो पूछिएगा फिर कमेंट में लिख के पूछिए, आप आस्क रतन हैश आस्क रतन पे भी पूछ सकते हैं, और आप कम्युनिटी पे भी जाके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने, उसको सॉल्व करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जो हमने बना रखा है, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना आएगा प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।